आने का तरीका आप इसमें देखिए, खाली पहनाना होता है। ये वैगनर के सीरीज की पूरी सीट है, ये उधर लग चुका है और इधर हम इसको पहना रहे हैं। व्हाइट कलर का अलग से ही पता चलता है, मजा आ जाता है देख के ही कि कुछ यहाँ लगा हुआ है चलती गाड़ी के अंदर भी। बाकी कलर ऑप्शन की बात करें तो इसमें एक बेज आता है, एक थोड़ा ग्रे टाइप का कलर आता है, दो तीन कलर ऑप्शन और आते हैं, ज्यादा जो है वो व्हाइट बिकता है। फिर भी भाई वेलकम बैक इन ए न्यू वीडियो। अभी हमारे पास है वैगनर का के सीरीज वाला मॉडल और इसमें हम लगा रहे हैं टॉवल वाला सीट कवर। टॉवल सीट कवर दो तीन वैरायटी के अंदर आते हैं जिनकी डिटेल वीडियो हम बना चुके हैं पहले से, दो तरह का, एक तो प्रॉपर जो टॉवल जैसा दिखता है वो, और एक ये पॉलिएस्टर टाइप का कह लो या वेलवेट टाइप का कह लो। तो ये लगा रहे हैं वैगनर के सीरीज के अंदर। देखिए ज्यादातर तो वैसे लग चुका है, ये हो गया यहाँ और अभी हम वहाँ लगा रहे हैं ड्राइवर साइड में और दिखाते हैं आपको इसकी फिटिंग कैसे होगी और पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट जो है वो क्या क्या है, इसके सारी डिटेल आपको इस वीडियो में देते हैं। ये वीडियो वैसे वैगनर के सीरीज में लगा के बना रहे हैं लेकिन आप किसी भी गाड़ी के लिए इसको ऐसे ही समझ सकते हो। जो इंस्टॉलेशन है या जो फिटिंग कह सकते हो है वो सब गाड़ियों में सेम इसी तरीके से होगी। सेम पहली बात करें कपड़े की तो ये कुछ ऐसा होता है, लूज सीट कवर आप कह सकते हो इसको, और ये है इसका कुछ टेक्सचर कुछ ऐसा, देखो ये इस तरीके से। तो जो वेलवेट जैसी जो फील है ना वो थोड़ी देता है ये, ना कि टॉवल जैसी, और जो प्रॉपर टॉवल जैसा आता है वो अलग आता है। देखिए इधर से शेड अलग आएगी, इधर से शेड अलग आएगी, तो कुछ ऐसा हो जाता है ये कुछ यूँ। और इसका एक बेनिफिट यही है कि आप इसको आराम से घर पे ही खोल के लगा सकते हो क्योंकि इसमें कोई मतलब जो लगते हैं ना कांटे वगैरह वो नहीं लगते, बस आप देखिए ये यहाँ से नीचे बंधा हुआ है और ये बंधे हुए को आपको डोरी को खोलना है और ये निकल जाएगा। ये लूज सीट कवर होता है पूरा का पूरा, तो ये यहाँ से ऐसे बाहर आएगा और उसके बाद अभी इसमें वो लगेगा, हेडरेस्ट लगेगा और यहाँ से ये पूरा जुड़ा होता है। देखो ये यहाँ से मतलब अलग नहीं होता, पूरा का पूरा एक साथ ही होता है यहाँ पे ये ऐसे। और पीछे की बात करें तो जैसे वैगनर पीछे वाला जो सीट है वो डबल पार्ट में होती है लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। सीट कवर जो आता है अगर किसी की भी कोई भी सीट पीछे वाली अगर डबल हिस्से में है तो फिर भी वो आपको सिंगल पार्ट में ही मिलेगी, ऐसा हो जाएगा। ये इनके अंदर डबल पार्ट नहीं आता। और ये पूरा हो गया नीचे का, इसका कुछ इस तरीके से इसका नीचे का है। और जैसे ये अलग होते हैं मान लो इसके अंदर, ये भी अंदर ही आ जाएंगे लेकिन लूज सीट कवर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जब चाहो इसको निकाल के घर पे ही वॉश कर सकते हो, वॉशिंग मशीन में आराम से घर पे वॉश हो जाएगा। ये वाली वैरायटी भी और जो प्रॉपर टॉवल आते हैं वो वाली भी, देखिए ये है, ये ड्राइवर साइड वाला, ये कुछ ऐसा होता है, ये है कुछ कपड़ा नीचे से, तो अगर इसमें टेक्सचर सही आ रहा हो तो कुछ ये ऐसा होगा, ये नीचे से ये कुछ ऐसा होता है। और एक प्लस पॉइंट इसका ये है, देखो ये प्रॉपर इंटरलॉक टाइप के होता है यहाँ से, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे ही उधर जाएगा। और कपड़ा की जो मोटाई है वो काफ़ी अच्छी होती है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर फर का जो साइज़ है वो कैसा है। ये इसका ऊपर से जो साइज़ है ये देखिए, ये इतना है, ये कुछ इस तरीके से, तो काफ़ी बढ़िया एकदम सॉफ्ट टच वाली फीलिंग जो है ये वाला कपड़ा ऐसे में ये दे देता है। और जुड़ा होता है पूरा का पूरा हिस्सा ये ऊपर से नीचे तक ऐसे में, वो आराम से आप घर पे ही कर सकते हो। उधर और लगाते हैं, एक बार आपको लगा के दिखाते हैं और पूरा प्रोसेस जो है वो दिखाते हैं, इसके नेगेटिव पॉजिटिव की भी बात कर लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट नेगेटिव हैं और क्या क्या पॉजिटिव हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो ये आपको है ना ये खोलना पड़ेगा पल्ला साइड का, दोनों साइड से, एक साइड से ये वाला आपको खोलना पड़ेगा यहाँ से नीचे से करने के लिए, है ना। आप चाहें तो इसको यहीं से भी रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। हमने पहले गाड़ी के अंदर ये करके दिखाया था, आराम से हो जाता है कि पूरा ऊपर से रख लो लेकिन थोड़ी अच्छी लुक आ जाए उसके लिए इसको पल्ले को यहाँ से, ये लॉक लगा हुआ है नीचे, इसको ऐसे खींचेंगे और ये डोरी जो है वो यहाँ से चली जाएगी। लगाने का तरीका आप इसमें देखिए, खाली पहनाना होता है। ये वैगनर के सीरीज की पूरी सीट है, ये उधर लग चुका है और इधर हम इसको पहना रहे हैं क्योंकि नीचे ऊपर की सीट जो है वो तो जुड़ी होती है तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो आप इस तरीके से इसको इसमें खुद से मतलब लगा सकते हो, इसमें किसी भी मिस्त्री की जरूरत नहीं होती, बहुत सिंपल होता है। और नीचे से जो डोरियां हैं वो बांधनी होती हैं तो कोई ऐसा खास काम है नहीं है इसमें, और प्रॉपर ही होता है, सीटों के हिसाब से बना होता है तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। और हल्का फुल्का ये लूज ही रहेगा क्योंकि है ही लूज सीट कवर, तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ये 100% बगैर जैसे या कोई फिटिंग देगा, और कुछ इस तरीके से ये आप हो जाएगा। वैसे आप चाहें जितना इसको टाइट कर सकते हैं। और जो ये कलर आप देख पा रहे हैं ये इसका शेड है, देखो इधर से अगर आ रहा है तो अलग है, इधर से आ रहा है तो अलग है, ये कुछ इस तरीके से ऐसे आएगा। और ये ऊपर का देखो पहना दिया, अब वीडियो के अंदर ही पूरा का पूरा ये लगा दिया, मतलब मुश्किल से 40-50 सेकंड लगे होंगे इसको पूरे को पहनाने में। और ऐसे ही ये इसमें नीचे का भी लग जाएगा यूँ कुछ इस तरीके से, और आप घर पे ही इसको आराम से धो सकते हो, वॉश कर सकते हो। देख वेख लग जाए तो ये ऐसे भी साफ करके देखो हल्का हो जाएगा, अभी इसको साफ कर देंगे क्लीन हो जाएगा ये ऐसे, मतलब हल्का फुल्का लग रहा हो तो यूँ हो जाएगा, और वरना आप इसको निकालिए और वॉश कर लीजिए। ये पूरा इसके अंदर चला गया यहाँ से, ये यहाँ से, ताकि इसकी फिटिंग इसके अंदर ही रहे। और आप चाहें तो इसको ऊपर से भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कि आपको इसको किस तरीके से फिट करना है। आगे से भी ये प्रॉपर तरीके से फिट आ जाएगा और उधर से भी। और बैक साइड की फिटिंग की बात करें तो इसमें ये कुछ ऐसा लगता है, फिर ये पूरा का पूरा यूँ इसके अंदर अच्छे से फिट हो गया है पीछे वाला। और जो पीछे वाली सीटें हैं इनको लगाना बिल्कुल आसान है, इस वाले को पूरा पहनाना है। ये पीछे तक का ये यहाँ तक का आएगा कवर, आप देख सकते हैं ये इसमें यहाँ तक का कवर करेगा, यहाँ आपकी डिक्की की ट्रे हो जाएगी तो ये पूरा इससे दब जाएगा, इसमें यहाँ का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो नीचे दब जाएगा
नीचे वाली सीट को लगाने का जो तरीका है वो बिल्कुल सिंपल है, इसके ऊपर रखना है प्रॉपर तरीके से, आगे से मैच करना है, और जो बचा हुआ कपड़ा है वो इसके अंदर जो है अंदर की साइड इसमें दबा देना है और फिर इसको ऐसे खींच के बांध देना है। तो ये भी आराम से आप इसमें लगा सकते हो, और ऐसे ही मतलब ऊपर का लगेगा ऐसे ही नीचे का लगेगा। नीचे वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो इसका पूरा यहाँ से देखो नीचे इसके अंदर चला गया है जैसा कि आपने देखा, और ऊपर वाला भी जो कपड़ा है वो इसके अंदर चला गया, तो ये पूरा ऐसे मैच कर जाएगा इसमें। और व्हाइट कलर देखिए एक कमी तो है व्हाइट कलर के अंदर कि गंदा होता है थोड़ा, लेकिन एक फायदा भी है कि जो इसका लुक है वो काफी वीआईपी टाइप का एकदम बढ़िया लुक आता है इसमें। और आप घर पे वॉश कर सकते हो तो कोई इतना बड़ा मैटर है नहीं है, अगर आपका यूज कुछ ऐसा है जिसके अंदर मतलब बच्चे वगैरह बहुत ज्यादा आपके साथ ट्रैवल करते हैं, गंदा होने के चांसेस हैं, या मिट्टी वगैरह में रेत वगैरह में ऐसे एरिया के अंदर आप चलाते हो तो आप व्हाइट को अवॉइड कर सकते हैं, और अगर आप ऐसे में संभाल सकते हैं तो आप आराम से इसमें व्हाइट कलर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काफी बढ़िया लगता है ऐसे में। और लुक तो आप देखिए अलग से आएगा, यूँ व्हाइट कलर का अलग से ही पता चलता है, मजा आ जाता है देख के ही कि कुछ हाँ लगा हुआ है चलती गाड़ी के अंदर भी। बाकी कलर ऑप्शन की बात करें तो इसमें एक बेज आता है, एक थोड़ा ग्रे टाइप का कलर आता है, दो तीन कलर ऑप्शन और आते हैं, ज्यादा जो है वो व्हाइट बिकता है फिर भी गंदा होने के बावजूद भी इसमें, मतलब ऐसा नहीं है कि व्हाइट गंदा होता है तो वो बिकता नहीं है। और ये है इसके नीचे आप देखिए इसमें डोरियाँ, ये इधर की डोरी हो गई और ये नीचे वाले की डोरी जो है ये आ गई है उधर से निकल के इसमें, और यहाँ से आप देखिए तो एक बार ये इसमें ये बंद गई है, ये डोरियाँ हैं ये जो हैं नीचे वाले की और ये इसमें हो गई ऊपर वाले की, देखो ये तो ये जो सारी डोरियाँ हैं ये आपस में बंध के और यहाँ खींच गया, ये खोलना है तो भी बस ये रस्सियाँ खींचनी है आपको और ऐसे ही बांधना है इसको ताकि आप इसको आराम से खोल के बाहर निकाल सकें, तो कुछ फिटिंग इसकी ऐसी हो जाएगी। फिर उसके बाद सेम उसी तरीके से हमने ये वाला आप लगा दिया उधर वाले में और कुछ ऐसे वाली इसकी भी फिटिंग आ जाएगी, देखो थोड़ा आगे करते हैं इसको, कुछ ऐसी फिटिंग जो है वो ऐसा लुक मतलब इसका आपको लगने के बाद ओवरऑल दिखेगा। और पीछे के जैसे आपकी सीटों पर भी डिपेंड करता है, अगर आपकी गाड़ी की सीट के अंदर मान लो किसी और गाड़ी के अंदर लगा रहे हो जैसे कोई आइटम सेंटर वगैरह हेडरेस्ट ऐसे वाले फिक्स हैं उसके, तो ये फिर फिक्स वाला आपको मिलेगा और ऐसे में आपको ऐसे वाला मिलेगा। तो आप जब भी जहाँ से भी अगर परचेज करते हैं ऑनलाइन में तो गाड़ी की सीटों की फोटो आप उनके पास भेज सकते हैं, या मतलब मॉडल के हिसाब से आप मंगवा सकते हैं कि कौन सा मॉडल है इसमें। पीछे वाली जो सीट है वो सिंगल ही आएगी, ये बात श्योर है कि उसमें डबल सीट आपको नहीं मिलेगी, उसमें ऐसी सिंगल सीट ही आपको लेनी पड़ेगी, और आगे की सीट आपको दोनों ऑप्शन में मिल जाती है। हर गाड़ी हर मॉडल का बिल्कुल अलग होता है, कोई भी जैसे फिक्स एड्रेस्ट है वो अलग आएंगे, जो अलग एड्रेस्ट है वो अलग आएंगे, मतलब इतना डिफरेंस होता है, 100% बिल्कुल मॉडल के हिसाब से नहीं होता क्योंकि लूज सीट कवर है तो थोड़े थोड़े लूज ही रहते हैं। थोड़ा काम रह गया ये और निकाल लेते हैं और एक बार आपको फाइनल लुक फिर दिखाते हैं। तो भाई देखो फाइनली जो है वो पूरा काम हो गया है और कुछ इस तरीके का है लुक फिर बाद में पूरा लगने के बाद, तो ये भी इसमें फिट हो गए हैं ऊपर के जो हेडरेस्ट हैं आप देख सकते हैं इसमें, बस यहाँ पे छेद करना है और इसको फिक्स कर देना है कुछ इस तरीके से, ये इसमें लगने के बाद पूरा लुक आएगा और ये इस तरीके से लूज ही होते हैं सारे, तो ये जैसे ये इसमें खींच दिया है, डोरी थी बस साइड में तो उस डोरी से ये ऐसे लग गया ये, तो कुछ ऐसा लुक है। अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें इसमें क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है सारे की बात कर लेते हैं एक बार, तो अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो एक तो ये है कि गंदा बहुत जल्दी होता है, जैसे टॉवल सीट को है हाथ पैर लगेंगे मान लो मिट्टी विट्टी जाती है तो उसके निशान बन जाते हैं, जो आप धो के इसको ठीक कर सकते हो उसमें आराम से वो आपके सही काम आ जाएगा। और पॉजिटिव पॉइंट ये भी है वैसे कि आप निकाल के इसको धो सकते हो, ये अपने आप में किसका पॉजिटिव पॉइंट भी हो गया। और दूसरा ये कि जो ऐसे नीचे रेक्सिन वाले कवर लगे होते हैं लेदराइट जिसको बोलते हैं वो क्या होते हैं बहुत जल्दी जो है ना गर्म हो जाते हैं, ये जो है इतनी आसानी से गर्म नहीं होता, तो थोड़ा आपको एक सॉफ्ट फील भी देता है कपड़े वाली वो रेक्सिन वाली फील से आपको छुटकारा मिल जाता है। तो कुछ ऐसा है इसका ओवरऑल लुक ये बैक साइड से और ये आगे से जी, कुछ ऐसा लुक इसका ओवरऑल जो है वो आएगा इसमें बैक साइड से, और आपको दिखा देते हैं एक बार कैसा है। और पीछे से जो लुक है वो कुछ इसका ऐसे वाला होगा, इसमें निकाल लगा आप आराम से सकते हो, लूज सीट कवर है किसी भी गाड़ी किसी भी मॉडल के लिए मिल सकते हैं लेकिन ज़्यादातर जो है वो अलग अलग होते हैं। तो ये है सारा का सारा, इसके बारे में अगर कोई और इंक्वायरी आपकी हो तो आप कमेंट करके उसकी डिटेल हमसे ले सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में जल्दी ही, जय हिंद।